YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि रिलायंस ग्रुप का एक छोटा शेयर जिसमें काफी गजब की तेजी है, तो क्या आपको इस तेजी में अभी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये शेयर है हमारा TV18 ब्रॉडकास्ट, काफी बेहतरीन तेजी अभी देखने मिला है। कंपनी जो है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है, साथ साथ डिजिटल कंटेंट बनाती है कंपनी और एलाइड बिजनेस में है। मार्केट कैप की बात है 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड साइज कंपनी है। डिविडेंड की बात है, कोई डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% मात्र है, प्रमोटर होल्डिंग 60.4%, काफी बेहतरीन है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट इक्विटी काफी कम है, मात्र 0.17 का। टोटल डेट 773 करोड़ का है, जबकि रिजर्व जो है 4000 करोड़ है कंपनी के पास, तो काफी बेहतरीन है। कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है। और वही कंपनी का ग्रोथ की बात है, सेल्स ग्रोथ देखिए, यहाँ पर हम पिछले 2-3 सालों का ही देखेंगे, 4,900 करोड़ का यहाँ पर है 2019 में, 2020 में 5,000, फिर यहाँ 4,498 करोड़ का। जबकि नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2020 में 242 था, जबकि 2021 में हो गया 456 करोड़ का, क्योंकि पहले ये कंपनी किसी और के पास था, यहाँ पर प्रमोटर्स चेंज हुआ है। रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया लगभग 2019 में। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर शेयर कैपिटल 343 करोड़ का है, रिजर्व जो है 4,000 करोड़ का है कंपनी के पास, और डेट की बात है मात्र 773 करोड़ का। और यहाँ पर देखिए डेट पहले कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा था, जब रिलायंस ग्रुप की कंपनी हो चुकी तो काफी डेट कम हुआ है। कैश फ्लो की बात करें 2021 में कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, कंपनी में काफी सुधार हुआ है। प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग कॉन्स्टेंट है 2019 से ही। FIIs का स्टेक काफी इंक्रीज हुआ है, देखिए छोटे शेयर में भी FIIs काफी ज्यादा अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, 14% हो चुका है। DIIs का स्टेक निग्लिजिबल है, यहाँ पब्लिक होल्डिंग भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 25% हो चुका है, तो काफी बेहतरीन साइन है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में पब्लिक की होल्डिंग भी हमें काफी अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक्स के प्राइस का, देखिए शेयर प्राइस का जो चार्ट है वो काफी मायने रखता है, तो यहाँ पर शेयर प्राइस के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं 2020 के गिरावट से। तो 2020 के गिरावट में देखिये ये शेयर प्राइस मात्र यहाँ पर था, अगर हम यहाँ पर 2021 आ चुके हैं, 2020 में चलते हैं, तो 2020 में मात्र 11-12 रुपये का ये शेयर था, वहां से ये लगभग 40 रुपीज रैली करता है और फिर इसमें एक लंबे समय तक यहाँ पर देखिए टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन होता है और यहाँ पर लो बनाता है स्टॉक्स अपना 27 रुपीज से नीचे का, और ये लो बनाया 2021 के अप्रैल में और फिर यहाँ से रैली दिखाता है वन साइडेड 48 रुपीज तक, 27 रुपीज से फिर इसमें गिरावट होती है और ये स्टॉक्स आ जाता है 34 रुपीज से नीचे, और फिर वहां से स्टॉक्स जो रैली किया है तो काफी जबरदस्त है। और यहाँ से देखिए प्राइस का जो पैटर्न बना है, प्राइस का पैटर्न से भी आप इसको ट्रेड कर सकते थे, काफी बेहतरीन यहाँ पर प्राइस का पैटर्न बना है। देखिए हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, नीचे का जो सपोर्ट लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन पर आसपास जब भी ये स्टॉक्स आया ऊपर चला गया, तो जब भी आया ऊपर चला गया तो आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास कभी भी बाय कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर काफी विलंब हो चुका है। स्टॉक्स ने यहाँ पर काफी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था और पहले भी मैंने इस स्टॉक्स को डिस्कस किया था, देखिए ये ब्रेकआउट अगर आप इसके विक्स को छोड़ दें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन होगा, अगर आप इसके विक्स को मिला करके खींचते हैं तो भी यही ट्रेंड लाइन होगा, तो विक्स को मिला खींचे या विक्स को छोड़ के खींचे, ट्रेंड लाइन यही होगा। यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, देखिए फिर से रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद काफी गजब का यहाँ पर तेजी है, तो अभी आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, तो हम इस ट्रेंड लाइन को छोड़ देते हैं जो पहले का ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, जैसे आवरली चार्ट ले लेते हैं, आवरली चार्ट पे जाकर के आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं किसी भी गिरावट में। जैसे देखिए यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद ये सारा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बना हुआ है, तो देखिए आवरली चार्ट पर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया, देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ऊपर ब्रेक किया तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये नीचे ब्रेक करता तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शन में है ही नहीं जो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये नीचे ब्रेक करता तो इस स्टॉक को हम छोड़ देते, ऊपर ब्रेक किया तो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और यहाँ से देखिए काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलता, देखिए लगभग 22% का, इसमें हम 20% ही लेते तो काफी था, 15% भी ले लेते तो दो दिन में ही यहाँ पर आपको 15% मिला था, देखिए 9 फरवरी से लेकर के यहाँ 10 फरवरी तक में। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले सका तो यहाँ पर ऊपर भी ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री काफी जगह मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाया,
इस रेंज को ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर ट्रेड लेंगे, अगर इस रेंज को नीचे ब्रेक करता तो फिर हम इसको अवॉइड कर देते, छोड़ देते। देखिए फिर से कहीं पे भी आवाली चार्ट पे कोई भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनता है और उसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर फिर से ट्रेड ले सकते हैं इसमें। और देखिए जैसे यहाँ पे भी बना था, तो देखिए काफी जगह यहाँ पर बना है आवाली चार्ट पर, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी बना है, तो जैसे यहाँ पर कोई भी मतलब एक रेंज बना था उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको हाईर लेवल पे इस स्टॉक्स को अवॉइड करना है, जब तक आपको कोई भी इस तरह से ट्रेंड लाइन नहीं मिल जाता है, मतलब कोई एक रेंज नहीं बनाता है, रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ही ट्रेड लेना है, अगर नहीं बनाता है तो फिर आपको इस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर इसी को मतलब एक रेंज बनाता है, रेंज को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो जब रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तब ही आपको ट्रेड लेना चाहिए इस स्टॉक्स में। ऐसे स्टॉक्स फंडामेंटली भी काफी सॉलिड है, काफी बेहतरीन ग्रुप की ये कंपनीज है, तो जब भी आपको मौका मिले तो जरूर एंट्री कीजिए, काफी बेहतरीन रिटर्न आपको ये स्टॉक्स देगा। आप बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये भी बनता हुआ दिख रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को देखिए नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन होगा, अगर हम मिलाएंगे, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है नीचे की ओर। ऐसे भी स्टॉक्स काफी ज्यादा बुलिश है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा फिर रैली करेगा, ये चलता रहेगा जब तक कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाता है जो कि बेयरिश पैटर्न हो और उसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करे। जब नीचे कोई भी पैटर्न बनाता है उसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो इस स्टॉक्स को हम अवॉइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।